चारो चलो तेरे क्या है ठीक है बीमार कोई बात नहीं पिछले सारा पहाड़िया को नहीं बात पूछनी उ मां नहीं कोई प्यो नहीं पिछले धन हूं भी धूरा पे कोई सुना ही है नहीं क्या होने बजुर्ग हो आई जो बचे इतने घर गरीबे की गल बात सुनते हैं इन्हें मैं करी देना तो भाई मेरी को गल बात नहीं कोई सुनता है दुआ अस्पताल मैं क्या गल बात कहीं नहीं सुनता तो चौधरी साहब की फोन कर आखिया तू मैं आख्या तुझे करो फोन मैं यार मैं फोन कर चौधरी होना मिकी पाई जाना उन्हें आख्या तू विश्वास करना मैं खुद करी गल मैं नहीं कर देना इन्हें बेचारे मुंह बसाखी पूछ रहे इन्हें फोन किया चौधरी साहब ने उस वे बिजी है इन्हें फोन पे इन्हें आपू दोबारा फोन किया रमेश के चक्कर है मेरी मम्मी बीमार है तो इतने कोई सारी बात ना अस्पताल पुजदा उस बेल जिन्हें चौधरी साहब ने फोन किया तो पांच छह डॉक्टर आई गए लाइनमैन जी कि आए सारे उस वे पुजिए दिले दही गल कि मैं भी अपनी थोड़ी जी एक फिलोसफी है मतलब अहिं पढ़े दा थोड़ा बहुत कि
बिल्ली जेड़ी होंदी ना बिल्ली जिल्लै चूहे की गर्दन तो फड़ी है ते पौड़ियां चढ़ा दी होंदी ते चूहे की लगता कि मैं पता नहीं तरक्की दी ओहदे उपर है तरक्की दी सीढ़ियां चढ़ा करना लेकिन उसी पता नहीं होंदा कि उपर पुज्जी जांगा ते उपर जाइए ओहदे कन्नै केह हाल होना। ते जेहड़ी इह सरकार है इस टाइम जेहड़ी गवर्नमेंट आही सोचिया कि 370 टुटनी है सरकार स्टेट टुटी है सरकार टुटी है ते ए चीज होई है ते साडे लई बड़ा एक अच्छी गल होई है हुण ते तरक्की इन्नी होई जाणी है कि इत्थे तरक्की दी एक बाड़ आई जाणी किस्म कन्नै कोई भी बंदा जेहड़ा बेरोजगार रहना नहीं है कोई भी जेहड़ा स्टूडेंट है वह बगैर टीचर दे नहीं रहना है कोई भी पेशेंट बगैर डॉक्टर दे नहीं रहना है असीं यह सारी चीजा सोचियां लेकिन हकीकत जेहड़ी ही कुछ होर ही जिला ही उपर 370 टुटी है जियां चूहा जिला बिल्ली फड़ियै लेई उपर छत उपर पुज्जे फिर उसी हकीकत पता लगी कि ओहदे कन्नै होई केह गेदा असल च ते हले तक साडे कोल मौका आया असीं हले उस छत उपर पुज्जे दे नहीं हैन जिस जेहड़ा चौधरी लाल सिंह होरां ने बेड़ा चुके दा असांगी जगाने दा उस छत उपर पुज्जने तो पहले पहले अगर जागी जांगे ते बची जांगे अदरवाइज साडे कोल कोई चारा नहीं है। बच्चे मैं तुसें सारा कुछ दस्सिया हा कि डिवेलपमेंट जिहड़ी है ना जियां कि होनी है ते यंगमैन मुंडे जिहड़े अग्गे आने चाहिए क्योंकि यंगमैन की जरूरत ज्यादा है थोड़ी कुछ मुंडे 2002 की गल करते असीं ते 2000 इसलिए 3000 का तो उदे च मुंडा वह जम्मा वा मैनू जिन्हें जिस वेले ने वह काम चुके हे या किते हे 2008 की गल कर 2023 ला लियो तो मुंडा इस वेले कितना हो गया 18 साल का हो गया ना 18 साल की कैटागरी जी है वह कुछ दसी नहीं माँ प्यो ने दसी कि चौधरी लाल सिंह ने कुछ इस इलाके का सुधार किया तबाड़ी कांग्रेस च आए हे लोगों ने पछाण की घर घर च आइए जेडे ये इलाके के नाम देंगे ना एक बारी भी अस भी ले सकने वजह कहने भी इंटर दौड़े है ना उस तो इस वेल दौड़ने की जरूरत है कि यंगमैन मुंडे अगे आना चाहिए असं थोड़ा साथ दें पिछे और रही गल रोड की रोड जितने भी रोड हैं चाहे मैं द्रमणा ला लियो चाहे एकड़े ला लियो बरमालगढ़ ला लियो थले अपने जीरो मोड़ के उपरे ला लियो जे घोड़ा रोड ला लियो सैलो घड़ी शाम जी पजाइए देो सैलो पजाइए दे घड़ी शाम हो रही इस दुनिया में नहीं है बखरी गल है ये उस वेले दे रोड जेड़े चले हे रही पठानु जी समस्या इस रोड की इतना जरा अड़ती ही कहानी कुछ साड़ी भी थोड़ी उदे ढेल थी क्यों जिसलै असी 30 बंदे 35 आए ना नंगाली से उन्नी जरा उदी बात ना मशीन आले पुछी उस बंदे दी ये साढ़े पुराने सरपंच होरी भगत राम इन्हें फोन किया इंदे मकान च डेरा हा जेड़ा मुल्क अपने जोगराज का घर च डेरा लेता बा पुत्र दो थे जिसलै इत्थे सप्पड़िया चो लगे ना पिछुआ लेइया उंजी कुछ बात नहीं पुछी असी दुद्ध भी पजाया देही भी पजाया कुछ उसकी डेली आई असें जिसलै फिरी घोलना च बस चली पी पे ये भट्ट चा रोड गया साड़ी जमीन का बेड़ा गर्क होई गया और होई जाना यही चेटा चली ना घोड़ लाने जिसलै आए उन्हें इसलिए बिस्तरा बनी लेता हा भाई ने तो यह अगे रोड भट्टी पुजना हा अगली जी अगे जी स्कीम बदलने की सोच है ज बदलनी है ज बदलाव लियाना मैं तुसें दसा कि जेड़े काम किते थे ना काम गनाने नहीं काम जेड़े नवे मुंडे मैं कहंगा जेड़े साढ़े इसलिए 18-20 साल के मुंडे ने मैं उन्हें दसगा कि उन्हें पता के है जब मां प्यो ने दस तो साड़ा फर्ज है कि उन्हें भी दसो कि इन्हें काम किया 14 पंचायत राज बारे जी सुनाई ना थोड़ी कि 14 पंचायत च 80 बूथा मगर पे सुन घट लड़ा मोड़ तक जन्दे असी इको सरपंच होंदा हा ते 7 मैंबर हे टोटल 8 बंदे हे सारे उदे च लेइए इंदा शा इक असें प्रस्ताव पोआया 10 पंचायत खिंदियां 14 दियां साड़ियां 24 हो गईयां उदे बाद दोबारा फिरी ये दोबारा फिरी जीती जाए 10 होर असें प्रस्ताव पाया वह नंगाली का घड़ी शाम का साड़ा तुक्का लग गया 422 बोर्ड च पंचायत खिंदी कदी रातों रात असें बोर्ड बनाए जिसे 628 बोर्ड किते टोटल नंगाली दे घड़ी शाम का मैं तुक्का लाया इंदे कोल एप्लीकेशन पजाई 100 रुपए दियां 34 हुई इस वेले ग्राम सरपंच भरा बैठे साढ़े कि इस वेले साड़ियां 40-42 होई गईयां मतलब एक उहदे ब्लाक बने भूड़ ब्लाक बनिया ये ब्लाक टुटदा जिहड़ा कि साड़ा वाला 6 पंचायतां दा छोटा धारमन पर जिहड़ा ब्लाक है जे घोल नंगाले चली जांदी उत्थे 12 बनी जांदे तो कुछ उहदे च भी बदलाव आया पंचायती राज दी मैं गल करगा कि बदलाव तो आया कि जिहड़ा जिथे जिथे छिड़क छड्डी चाहे दमन की गल कर लो जिथे मतलब छड्डी ही इन्हां ने
तिया के बसां करता बंदा एक तो उथे छोड़ी ती अपनी घा की गड्डी रख ले। कोई चीज इसी रहन दो रोड़े अगे नहीं दसो कोई के चीज कोई चीज हिली उथो की नींह नहीं ना बाकी लीडरिया तो नींद आई ना तो आखने का सवाल यह है कि काफी चीजा जड़िया ने कुछ बदलाव हो रहा है कि ओर ब्लाक चेयरमैन आईए डीटीसी चेयरमैन आईए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आईए अपने वो लाई दिते लाई तो दिते मैं तुसें दसना कि घोड़ला लेगी खड्डी बदाड़ी तक दसना पिछला इलाका उथों का कोई चेयरमैन का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कोई फंड साया मेरिया नजर तो नहीं आया। मैं सारिया पंचायत पूछा करना कि वो फंड से कोई भी नहीं आया मतलब डीटीसी चेयरमैन आई गया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आई गया उदे च दिखा जा तो उनका कोई फायदा असि साड़िया पंचायत तो होया ही नहीं है। कुछ पंचायत ने जिड़े के कुछ थोड़े जे जिड़े काम लाए पंचायत च जिड़ा फंड आए कोई इनकी बदौलत चलो असि भी उदे विच आए चुनौती च आए कई ठेकेदार बहर दे भी हैं वो आई जी चली भी गई उसकी टोपीए को सीटी अगर खंभा ढोलान जरा सुगली लग्या तो नहीं हो सकी वो ठेकेदार ही कुछ टोपीआ से बहर का टेंडर चुकने वाला ठेकेदार कोई अफसर के फोन को फोन चुकते नहीं इतनी ज्यादा सुनवाई कुछ भी सुनाई तो अपनी सुनवाई करने इक्के चौबी लाल सिंह आते सुनवाई करते हैं इनके हाथ की पावर इसलिए पावर सारे के किथे होई वोट पाएंगे और इं तो पावर चन मगर अस डरते वोट नहीं फोन नहीं करते इस बेल उन्हें वोट पाई जिस इलेक्शन डीडीसी जी बीडीसी अब वोट सारे उन्हें पाते हैं इस बेल क्या नहीं उन्हें फोन करना मगर रही गल एक तीन किलोमीटर में जगना रोड है जो लाशें ना पाया इस बस बाईघाट रोड पा दा नगालिया रोड पा दा अगर इतने किन्ने तीन किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है मगर सारे नंत्राम सारे पहले इजो बोलिए कितनी डिवेलपमेंट लाशें का टाइम जो है उसके अगे एक भी फुट अगे नहीं बढ़िया उत्थे तो उत्थे कां सारे काम आ रहे अज पेंशन लगे चौबीस साल एम एल ए हे एम पी हे मैडम कांता एम एल ए ही कितनी पेंशन लगे अज तुम लोग कितनी परेशानी है पेंशन की उस ऑनलाइन करते मैं कोई छे छे महीने लोगों हाले भी लोगों की पेंशन बंद हो ऑनलाइन पता कि ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होती इक्कै बहाना दे साढ़े छांदे महाराज अस दफ्तर आखते कागज ऑनलाइन नहीं अगर इस्सै कारण सारे एकजुट होई जितने भी हैं असें चौबीस साल ही कामयाब बनाना और फिर असें जिन्ने भी कम्म सारे सारे कम्म अपने आप होने डीडीसी चेयरमैन साहब या डीडीसी जेहड़े सदस्य न उंदी आंदी है क्या उदा बाद तुसी सनाओ कि इत्थे साडा जगना तक चौधरी साहब दा उन्हें रोड पजाया या इस साइड नगाली तक रोड पजाया है बग तक क्या उदा बाद रोड अपने सगरंडे तक भी आई सकिया क्या उदे बाद रोड ओगड़ा रोड बधिया घोड़ला तक भी आई सकिया नहीं आई सकिया जित यह सिर्फ घोड़ल तो नगाली की प्रॉब्लम नहीं है यह हर जगह की प्रॉब्लम है तो शायद तुसी लोगों को पता भी हो कि चौधरी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त अपने घोड़ल और नगाली दोनों पंचायत से एक प्लान और एक प्लान सैक्शन करवाया कि सोलर जिदे कन्नै कि हुण घोड़ल तो नगाली की तो लाइट फ्री मिलनी ही प्लस इन लोगों जो सा मुड़े जो अपने घोड़ल नगाली जी प्रेफरेंस दी गई थी उस असि पता है शायद तुम्हें भी पता हो या नहीं पता होता क्या पता क्योंकि सुनाते भी है नहीं जो आते सारे सदस्य इतने वो अपन झूठिया सचिया गिनाते सुना नहीं भी रियालिटी यह ही जिले भी इतने आते हैं तुम्हें पूछो नहीं क्या चौधरी साहब ने प्लान सैक्शन करवा ला तो क्यों नहीं खोली सकिया क्यों नहीं तुम अपना अगर सोलर पैनल पूरा बनता या विंड का कोई जो सैक्शन करवा ला घोड़ल नगाली इतों के लोगों लोगों रोजगार मिलना और तुम लोगों लाइट फ्री मिलनी और चौबी घंटे मिलनी बड़ा अफसोस करना बोलना पवा दा कि वो प्लान जिहड़ा इन्हें दवाई था क्योंकि उसका क्रेडिट सीधा सीधा चौधरी साहब भी ज्यादा मुकदा नहीं है खत्म नहीं है लेकिन हम होंगे ना एक फाइल थल आई दी उपर एक होर और कल ही अगर तुम पूछो भी ना अगर तुम क्वेश्चन भी करिए उन्होंने मारे वो था ही नहीं लेकिन वह सारे ही पता हा कि बसोली साड़ा एक स्टेडियम हा जिहड़ा अपने पठारा खोलना बनना हा कोई दो ढाई करोड़ का प्लान हा प्लान के लगभग उसका काम स्टार्ट हुई था और यह भी विद इन डेज स्टार्ट होने वाला काम हा जो असि गए हे जो साढ़े बेचारे बजुर्ग मरी गए उपर नीम लोमे की नहीं असि इं गए हे फिर वापस आते तो चौधरी साहब सुनाते कि असें पूरी धारा जी पूरा इतने एक सोलर प्लान बनाना है लाना है लोगों इतों के फ्री बिजली मिलग घोड़ल नगाली के फ्री बिजली मिलग प्लस थोड़े अपने मतलब ब्लाक ही घबरू नहीं पूरे कर लेना साढ़े धार अपने धारमन ब्लाक ही पूरे कवर कर लेना लेकिन बड़ा अफसोस है कि उसी बुलानी उत्थे दवाई तो जा रहा है मैं चाहना है कि मैं भी रिक्वेस्ट करना अगर थोड़ी चलती है कोई मैं भी डीडीसी जिहड़े भैन साढ़े सदस्य ने या कोई चेयरमैन अगर थोड़ी चलती है तो उसी प्लानी उसी फाइल ही पुट्टो उसी कड्ढो उसी फाइल ही करवाओ उसी घोड़ला
चौधरी साहब जो करी सकते हे उन्हें इस पंचायत से किया। कई लोगों ने पता भी नहीं होना कि चौधरी साहब ने टूरिज्म डिवेलपमेंट अथॉरिटी बनाई। क्यों? कि यह जो इलाके न इन इलाके की खूबसूरती लोगों को पता लगी सके। लोग बाहर तो टूरिस्ट इधर इधर आइए टेंट लगाइए रहे थोड़े लोगों बच्चे रहे इधर लोगों की आमदनी बद है पैसा मिले लोगों की और इधर व्यापार बद है। मगर क्या कुछ पता कि कामकाज बंद क्यों पेगा? इस सोच चौधरी लाल सिंह हुंदी ही जिहड़ी उन्हें तुहाड़े से बनाई मगर उस सोच की बंद करता गया। जो प्रोजेक्ट चौधरी लाल सिंह तुहाड़े से लैंदे वो सारे बंद करते गए। यह एक बड़ी बड़ी साजिश है साडे लोगों कन्ने जानी बुझी तुहानू तो दवाने कोशिश की जाती। अज तू ये देखो ये साडे जाकर भाई होरां बोलिया कि एक साडे जिहड़े एमपी साहब ने वो पीएमओ च मिनिस्टर ने चांद के नहीं कर सकते। सच सुनायो रब साक्षी करिए गल सुनायो कि क्या तुसीं उन्हें इत्थे दिखा अपने इलाके च क्या कुछ ने दिखा? फोन करना दूर की गल है क्या कुछ ने दिखा? तो सोचो जिसने तुसीं दिखा ही नहीं जिंदा तुहाडे फोन नहीं वह क्या तुहाडे काम आ सकदे? सारे लोगों ने अगर हॉस्पिटल बसोले हॉस्पिटल को परेशानी पौंदी है ना अहीं चौधरी लाल सिंह फोन करते हैं एक मिनट काम होंदा हा चौधरी लाल सिंह नहीं पुजगे होंदा वर्कर कोई पुजी हा मेरे काम जरूर होंदा हा। अज भी चौधरी साहब काम करा रहे मगर तुसीं हालात देखो कि कोई तुहाडी सुनवाई नहीं है। जब झूठ बोलना मैं यह रियालिटी है कि कोई सुनवाई नहीं है। जियां साडे मदन सरपंच होरां बोलिया कि लाइट की बड़ी परेशानी है मैं तुहानूं एक सच्चाई तुहानूं सुनाना चाहना अठ घंटे शड्यूल कट एक जिहड़ा रखा गौरमेंट है जिहड़ी कि पिछों कटाउंदी और तीन घंटे शहर च कट है मगर अठ घंटे कट तुहाडा भी है मगर जिहड़ा तीन घंटे कट जिहड़ा इधरों लगदा बसोली तो जिहड़ा बसोली च है शहर च मगर तुहाडे ग्रां दा पंज छे घंटे कट है। ये कल मिगी सुखदेव होर जिहड़े सरपंच सर सियाल दे नाइक सरपंच ये मिगी फोन करा दे बड़े परेशान है बेचारे कि बच्चे कियां रह रहे बच्चे परेशानी हो रही। इसी तरीके बड़े लोग परेशान मगर कमजोर नहीं। जो ताकत सानू चौधरी साहब ने दिती ही सानू लड़ना सिखाया सानू बोलना सिखाया अही इन पिछले कुछ साल चना और भी 25 साल की लड़ाई भुलीए अही दोबारा नपुंसक बनीए और लोगों के झुकिए रहने अपनी लड़ाई नहीं लड़ाने सानू दोबारा जागने पौना क्योंकि साढ़े कोल एक ऐसी शक्ति है जो सानू हमेशा चलना सिखाती लड़ना सिखाती और शख्सियत कोई और नहीं चौधरी लाल सिंह होरी मैं सरपंच बनी गया अपने भरा जमीन अपने नाम कराई लें कोई मजा गए मजा ता भी मेरे आली जमीन भी जी हिस्से आती उ थोड़ी चाहती एक कख भी नहीं लीडर यह सिर्फ मोदी साहब के नाम पर चौधरी लाल सिंह इलेक्शन लड़ा दे ना तो एक मोदी मोदी कन्नै टक्कर होंगी इन्हें यह कोई दिता ना ही नहीं है इन्हें गला मैं गलाना जे सरपंच मैं मेयर ने इलेक्शन लड़ी है दसवे कर्नल मान सिंह गला मैं लड़ना फरनाट इलेक्शन तुम आओ ना उसे बड़े बड़े लीडर न मेरे ने सरपंच इलेक्शन लड़ो हाँ कख भी नहीं आंदे लेकिन मोदी साहब का ना हाँ जीती है तो सारा थोड़ा टाइम माड़ा ही आ बाकी ऐसी कोई गल है चौधरी साहब ने जीतना लेके रहेंगे बना के रहेंगे जम्मू स्टेट बना के रहेंगे जम्मू स्टेट। पढ़ाई छीने वो सरकार ने कमी है जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार ने कमी है जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है। ये डुगे ये डुगे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। तो साहब आज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं तो आपने जहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी तो क्या क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं आप बताएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये गवर्नमेंट है सरकार अगर ये सरकार ना हो तो समस्या कोई नहीं। इस समय सारी समस्या सरकार है। सरकार को समय नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है सरकार को समय नहीं है कि नौकरी और कारोबार कैसे देना है सरकार को समय नहीं है बच्चों की पढ़ाई छीन रही है सरकार एक इंच सड़क नहीं बढ़ा पाई जो जहां में छोड़ गया था एक इंच नहीं कर सकी और जो बन भी रही है जो मैंने बनाई हुई है वो भी आप देखो लुक देखना को हार्डली ढाई मीटर को लुक बढ़ रही है तो सड़क जो मैंने चौड़ाई कराई थी उसकी 30-40 फीट और सड़क कितनी 9 फुट
गाड़ियां निकालनी है, कारें चलानी यहाँ, और ये सड़क आगे एक इंच नहीं बढ़ी, और यहाँ सारे स्कूल खाली है, हाई स्कूल में टीचर नहीं है, मिडिल स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल है, चाहे वो कला है चाहे आपका मजानू है, इन स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, चाहे आपका घोड़ल का हाई स्कूल है, और धारमानपुर में हाई सेकेंडरी कोई टीचर नहीं, स्टाफ बहुत बुरी हालत है, इधर सियालग में हाई स्कूल बहुत बुरी हालत, नगाली में आठवीं स्कूल एट्थ का बहुत बुरी हालत, यहाँ बाड़ीगढ़ में आठवीं स्कूल बुरी हालत। तो कहने का मकसद है कि स्कूलों की हालत ये हो गई है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक टीचर मुहैया नहीं है, और जो टीचरों की पोस्टें खाली हुई रिटायर हुए और उनकी जगह कोई बंदा नहीं लगाएगा, और जो टीचरों की जो स्कूल डेवलप हुए अपग्रेड हुए उनकी जगह कोई भी स्टाफ नहीं बढ़ाया गया। इसी तरीके से यहाँ के हॉस्पिटल सब सेंटर डिस्पेंसरीज सारी खाली पड़ी हैं। बसोली का जो हमारा मॉडल हॉस्पिटल है उसकी पोजीशन इतनी माड़ी है, इतनी बुरी हालत है कि आज गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, सर्जन नहीं, एनेस्थीसिया नहीं और आर्थो नहीं, बुरी हालत। और इसी तरीके से आपका महानपुर का है एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जिले का, उसकी बुरी हालत, तबाह और बर्बाद। मुझे बताओ स्कूल और हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, बाकी दफ्तर करने क्या है? वो बाकी दफ्तर इसलिए है किसी की जमीन छीन लो, किसी की जमीन पे किसी का मकान तोड़ दो, किसी का वो कर दो, बस दिस इज पोजीशन। आई एम सॉरी कि जो हालात है, मेरा वर्कर देखिए कितनी बारिश है, हैं? और सारे लीडर मेरे बराबर, कौन लीडर है जो दो बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हो और उसके तीन बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, तीन बार एमएलए रहा हो, वाइफ एमएलए रही हो, और मेरे कितने सरपंच भाई यहाँ घूम रहे हैं, ये मेरे सरपंच मदन सिंह जी यहाँ खड़े हैं, मेरा सरपंच इधर चला गया ए रजिंदर यहाँ खड़ा है, ये तड़के बहुत भैया तकलीफ में परेशानी में ये है, और मेरे अभी सरपंच आगे रामरेश आगे निकल गए, और दस सरपंच यहाँ घूम रहे हैं, और पंच अलग से, वर्कर अलग से, मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट है बसोरी का यूथ का, ये मेरे जिले का प्रेसिडेंट है यूथ का, और ये मेरा पवन कुछ है पवन, ये मेरा ब्लॉक इसका प्रेसिडेंट है धारमानपुर का, ये सारी हमारी कमेटियां फंक्शन कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं, और नौजवान अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और सरपंच हमारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मिंदर हमारा पुराना लीडर है हमारा पुराना, और इस इलाके का ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, पेरेंट पार्टी का ये वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान रखे जाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि सारा सिस्टम हमारा चला, मीडिया का मीडिया देखता है पूरा, और सारे मीडिया को देखता है, तो हमारे लोग चल रहे हैं, बारिश है, तूफान है, गर्मी है, लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? लोगों को यह है कि लड़ाई लड़े अपनी स्टेट अलग बनाने के लिए, कश्मीर से अलग स्टेट, जम्मू स्टेट, और विद आर्टिकल 370 के, ताकि ना कोई हमारी बाहर के बंदा नौकरी खाए, ना हमारी जमीने ना कब्जा हो, और सारे लोग आराम की जिंदगी बसर कर सकें, कारोबारी हो जाएं और आराम से जिंदगी बसर करें। और लोगों को ये मेरा मैसेज है कि लोग इस बात के लिए सारे मैदान में उतरें, लड़ें। आज डेली वेजर चला रहे हैं, कहते हैं मीटिंग नहीं करने देंगे, जलसा नहीं करने देंगे, हमारी बात की सुनाई नहीं हुई नहीं हुई, क्या कर लिया? इसलिए गरीब आदमी जहां भी है कुचले जा रहा है, इसी वेरी क्लियर। रेल से निकालने का जरूर खत्म कर दिया था, कोई जब मैं बड़ा मिनिस्टर भारत मिनिस्टर विजन से लेके किसी चीड़ का जम्मू कश्मीर में कोई जख्म नहीं निकाल सकता, कोई रेजन नहीं निकाल सकता, मैंने क्यों बनाया, और कोई स्कूल कोई भी स्कूल किसी को पोल्यूशन सर्वे लेने की जरूरत नहीं, मैंने बनाया, और जो पोल्यूशन सर्वे इंडस्ट्री को मिलता है मैंने किया, 5 साल का टेन्योर है, लोटरी खत्म की मैंने की, और बताओ।